everyone, this is Anubhav Jain and welcome all in the Smart E-Learning Classes. Due to some problem, I had not been uploaded any video from last 2 weeks and sorry for this. If you have not subscribed my channel yet, so subscribe it and don't forget to like and share. So, today's subject is history and the chapter is the Vedic Civilization. Today we will discuss on the third lecture of the Vedic Civilization. In this lecture, we will cover the various topics related to the Brahmavart that had been flourished from the 1600 BCE to 1000 BCE. During this lecture, we cover the topics like political organizations, social life. In social life, we discuss family, status of women, and religion. We will also discuss about the four Varnas which had been flourished during the Brahmavart period. So to learn all of the things in detail, stay with me till the last of this video. Let's start. Hello everyone, welcome to the Smart E-Learning Classes. So today is the third lecture of the Vedic Civilization. So in this lecture, we will cover the topic of the Brahmavart that has been flourished from the 1600 BCE to 1000 BCE. The topic for today are the political organization, social life, family, the status of women in the Brahmavart, the four Varnas, and the religion in this period. So first of all, the point is related to the political organization. The Aryans were divided into many tribes and each tribe settled in a particular area and a number of villages sprang up. कई तरीके के गांव में अलग अलग हिस्सों में आर्यंस बटे हुए थे, उनके अलग अलग कबीले बने हुए थे और वो अलग अलग गांव बसा लिए थे. Each tribe had a king or ruler selected for his bravery and wisdom. अपनी बहादुरी और कौशलता होशियारी के बल पर जो व्यक्ति होता था वो उस कबीले का राजा बना करता था. एंड द किंग हैड टू परफॉर्म बोथ मिलिट्री एंड रिलीजियस ड्यूटीज़. जो राजा होता था वो हर तरीके की रिलीजियस और मिलिट्री ड्यूटीज़ को निभाता था, चाहे वो हमारी सीमा की रक्षा के लिए युद्ध करना हो या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम. हिज चीफ ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द ट्राइब एंड इट्स टेरिटरी. उसका मुख्य कर्तव्य होता था अपने कबीले की और अपने टेरिटरी की रक्षा करना. ही वॉज कॉल्ड राजन, उसको राजन कहा जाता था. द किंग वॉज असिस्टेड इन वर्स बाई सेनानी एंड अ पुरोहित. उनका जो कार्य होता था वो किसके द्वारा असिस्ट किया जाता था, सेनानी और पुरोहित के द्वारा. सेनानी जो होता था सेनापति और पुरोहित जो मैन उनका मंत्री होता था, जो पुजारी भी हुआ करता था वो होता था पुरोहित. एंड द विलेज हेड ग्रामीण ऑल्सो हेल्प द किंग. जो विलेज का हेड होता था, छोटे छोटे गांव, भाई बड़ी सी टेरिटरी है उसमें छोटे छोटे गांव भी हैं, तो छोटे छोटे गांव को जो हेड हुआ करता था वो भी राजा की मदद किया करता था. कैसे करता था, सो द ग्रामीण लुक्ड आफ्टर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कीप अ फाइटिंग फोर्स रेडी टू हेल्प द किंग इन द टाइम्स ऑफ वॉर. युद्ध के दौरान लड़ने के लिए एक युद्ध की टीम को तैयार रखते थे. नेक्स्ट इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द देयर इज हैड टू इम्पॉर्टेंट असेंबली. उनके समय में दो इम्पॉर्टेंट असेंबली हुआ करती थी जिसको विधानसभा बोलते थे. वो कौन कौन सी थी, सभा एंड द समिति. द समिति वॉज एन असेंबली फॉर ऑल द पीपल ऑफ द विलेजेस. समिति जो होती थी वो गाँव के सभी लोगों की एक सभा, मान लो तरीके से मीटिंग करते थे तो वो गांव के सभी लोगों की होती थी. और द सभा वॉज ए स्मॉलर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन्स. बड़े बड़े लोगों को, मंत्रियों का जो एक तरीके की मीटिंग होती थी वो होती थी सभा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीनियर सिटीजन इसमें हुआ करते थे. द असेंबली चेक द पावर ऑफ द किंग. असेंबली क्या किया करती थी, राजा की पावर को चेक किया करते थे. एंड द किंग टू बी ट्रीटेड देम विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट. जो राजा हुआ करते थे वो सभा में रहने वाले और समिति के जो हेड हुआ करते थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट क्या करते थे. क्यों क्या करते थे, बिकॉज द सभा गेव इट्स एडवाइस टू द किंग एंड ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स. कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राजा इन्हीं लोगों से अपनी राय लिया करते थे. देखिए आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं राजन, पुरोहित, सेनानी कैसे देखते थे लोग. सभा एंड समिति का भी पिक्चर इसमें दिया हुआ है. नेक्स्ट इज द सोशल लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सोशल लाइफ द पॉइंट इज फैमिली. सो द आर्यंस लिव्ड इन अ विलेज एंड ईच विलेज वॉज कॉल्ड ग्राम. गांव मतलब गांव को क्या कहते थे, ग्राम कहते हैं ना संस्कृत में, तो संस्कृत के वर्ड्स ज़्यादा यूज हुए हैं हमारे आर्यन जो सिविलाइजेशन हुआ है, इंडो आर्यन वाला. तो आर्यन लिव इन विलेजेस एंड इन ईच विलेज वॉज कॉल्ड ग्राम. जो विलेज था आर्यन का, हर विलेज को ग्राम कहा जाता था. द विलेज कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ फैमिलीज. जो गाँव होते थे उसमें बहुत सारी फैमिलीज हुआ करती थी. द सोसाइटी वॉज पैट्रियार्चल. जो सोसाइटी थी वो वंशानुपातिक थी, यानी कि वंशों पर थी. ईच फैमिली वॉज नॉन एज अ कुल. उनको क्या कहते थे, हर फैमिली को एक कुल कहा करते थे कि ये इनको कुल का है, वो उनके कुल का है, इस तरीके से उनका वंश है. एंड द एल्डेस्ट मैन ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज कंसिडर्ड द हेड ऑफ एंड ही मेड ऑल द डिसीजन विच
अदर्स हैड टू एक्सेप्ट। जो फैमिली का सबसे बड़ा मेल व्यक्ति होता था, मेल पर्सन होता था, जो आदमी होता था, वो होता था उस फैमिली का हेड, ठीक है ना। और उस वही सभी डिसीजन लिया करता था और वो डिसीजंस को फैमिली के सभी मेंबर्स को मानना कंपलसरी था। द हेड ऑफ द फैमिली वॉज कॉल्ड गृहपति। फैमिली को क्या कहते थे उस समय, जो हेड होता था उसको कहते थे गृहपति। नेक्स्ट इन सोशल लाइफ इज द स्टेटस ऑफ वुमेन। द वुमेन वॉज रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड एट पार विद मैन एंड गिवन एजुकेशन। वुमेन की जो रिस्पेक्ट थी वो मैन के बराबर थी। द वाइफ हैज वॉज द हस्बैंड्स पार्टनर इन ऑल रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनी। जो पत्नी होती थी वो पति की पार्टनर होती थी सभी तरीके के रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में। अ फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाई ऑल हिज चिल्ड्रन। जो पिता की प्रॉपर्टी होती थी वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाती थी, उनके बच्चों द्वारा। सती एंड पर्दा सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट। सती और पर्दा प्रथा उस समय नहीं चलती थी। गर्ल्स हैड द फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड फॉर द सिस्टम ऑफ स्वयंवर। उस समय स्वयंवर हुआ करता था, जिस टाइम वैदिक सिविलाइजेशन था तो उसमें गर्ल्स क्या करती थी, अपने अपने हस्बैंड को सिलेक्ट करती थी। वुमेन वर गिवन अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। वुमेन का बहुत ही हाई स्टेटस था सोसाइटी में। एंड दे वर एजुकेटेड एंड एक्टिवली अटेंडेड असेंबलीज एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स। वो एजुकेटेड थी और हर तरीके की असेंबलीज में पार्टिसिपेट किया करती थी और डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। दे ऑल्सो कम्पोज हेमन्स, वो भजन भी कम्पोज किया करती थी। द सिस्टम ऑफ विडो रीमेरिज वॉज एक्सेप्टेड। विधवा की शादी का भी उस समय मानते थे कि विधवा की भी शादी करानी चाहिए। गार्गी एंड मैत्री वर टू हाईली एजुकेटेड वुमन हु लिव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। उस समय के गार्गी एंड मैत्री जो थी वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड वुमन थी उस समय में। किस समय में, ब्रह्मवर्त के टाइम पर। नेक्स्ट इज द फोर वर्णास। सो द वर्णा सिस्टम वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी का बहुत ही मुख्य फीचर है, क्या है, वर्णास। कैसे है, सो देयर वर फोर वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एंड द सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑन एंड नॉट ऑन बर्थ। ये जो वर्ण थे, चार वर्ण जो थे, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण, ये चारों वर्ण व्यक्ति के कार्यों के हिसाब से थे, ना कि उनके जन्म के हिसाब से। सो द सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड नॉट ऑन बर्थ। सो वॉट देयर वर्क, सो द टीचर वर्ल्ड कॉल्ड ब्राह्मण्स हु ऑल्सो कंडक्ट रिलीजियस सेरेमनी। जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो टीचर हुआ करते थे, जो टीचर जो पढ़ाते थे और जो डॉक्टर जो इलाज किया करते थे, दे वर नोन एज द ब्राह्मण्स। और ये लोग रिलीजियस सेरेमनीज को कंडक्ट कराया करते थे। नेक्स्ट इज क्षत्रिय वर द रूलर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड वॉरियर्स। जो योद्धा हुआ करते थे, जो कार्यों को देखभाल किया करते थे और जो युद्ध लड़ा करते थे और जो राजा हुआ करते थे, वो लोग कौन हुआ करते थे, क्षत्रिय आते थे। नेक्स्ट इज द फार्मर्स मर्चेंट्स वर कॉल्ड वैश्य। जो किसान हुआ करता था या व्यापारी हुआ करते थे उनको कहते थे वैश्य, यानी जो व्यापार करता था उनको वैश्य कह दिया जाता था। एंड द लास्ट वन इज द ग्रुप दैट सर्व ऑल थ्री क्लासेस वर कॉल्ड शूद्रास, इज ऑल्सो कंप्राइज आर्टिसंस एंड लेबर्स। छोटे मोटे काम करने वाले लेबर लोग और जो इन तीनों कैटेगरी लोगों की नौकरी बजाया करते थे, यानी उनका नौकरी क्या करते थे, उनका काम क्या करते थे छोटे मोटे, वो लोग होते थे शूद्रास। नेक्स्ट इज द रिलीजियन। द आर्यंस वर्शिप्ड नेचर एंड इट्स फोर्सेस लाइक द सन, अर्थ, स्काई, विंड, रेन एंड फायर। जो आर्यंस होते थे उनके लिए कोई मूर्ति नहीं थी, कोई भगवान है, तो वो किनको पूजा करते थे, प्रकृति को पूजा करते थे, प्रकृति की, मतलब जैसे कि आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ठीक है ना। एंड दीज बिकम देयर गॉड्स एंड गॉडेस, यही उनके देवी देवता थे। प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू अग्नि, वरुण, इंद्र, सूर्य। तो अग्नि कौन थे, द फायर गॉड, वरुण थे जो वो द वाटर गॉड, इंद्र द गॉड ऑफ रेन एंड वाटर, एंड सूर्य द सन गॉड। जो सन गॉड हुआ करते थे वो थे सूर्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड थे जिनको उस टाइम पूजा जाता था। देयर वर नो टेम्पल्स और इमेजेस फॉर वर्शिप। पूजा करने के लिए कोई भी चित्र या कोई भी मंदिर उस समय नहीं था। यजनास वर परफॉर्म्ड एंड वर्शिप वॉज कैरिड आउट इन द ओपन विद सिंपल ऑफरिंग एंड चैंटिंग ऑफ हिमंस। यज्ञ हुआ करते थे पूजा करने के लिए, कैसे हुआ करते थे, खुले में यज्ञ हुआ करता था। और कैसे होता था, मंत्रोच्चारण और भजनों के साथ, समझे ना, मंत्रोच्चारण समझते ना, मंत्रों के उच्चारण के साथ और भजनों के साथ यज्ञ हुआ करते थे। देखिए एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें गॉड और वर्शिप एज दिया गया है। तो वरुण वर वर्शिप एज वाटर गॉड, गॉड ऑफ सीज, इंद्र नॉन एज द गॉड ऑफ रेन, स्टॉर्म एंड वॉर। जो इंद्र थे उनको बारिश, तूफान और युद्ध का देवता माना जाता था।
Next is Surya. Surya is known as the sun god. Agni is known as the god of fire. Vayu known as the god of wind. Usha, goddess of dawn. And Prithvi, mother goddess. That's all from my side for today. Stay home, stay healthy, have a good day.